यावेळचं रक्षाबंधन फारच स्पेशल आहे, कारण शान आणि सागरिका दोघं माझ्यासोबत आहेत. सगळ्यांचे लाडके भाऊ बहीण आहेत हे, आणि खास सागरिका आज आलेली आहे शान साठी, राईट? सो रक्षाबंधन फार स्पेशल आहे. हो, फारच स्पेशल आहे. फार फार से आई है, बहुत दूर से आई है. क्या म्हणून फारच स्पेशल आहे रक्षाबंधन. आणि आपण सगळ्यांना रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा. सागरिकाने मराठी अटेम्प्ट पण केलेला आहे, मराठी शिकवलंच तिला. मग आता काय सागरिका, याचा परवा लंडन मध्ये होती, आता आता इटली रोम मध्ये आहे, पण आम्ही आहे तर मुंबईकर ना. हो, जन्म आणि सगळं इथंच झालं आहे. आता सवय गेलं त्यात काय, मराठी में आम्ही काय बोलतो लोकांना काय ऐकतात उनको क्या लगता है वो पता नहीं, लेकिन हम तो बोलते रहते हैं. शान भाऊ, शान भाऊ, वाह 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 वाह, हर अच्छा एकदम भाऊ, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर. हाँ, प्रामाणिकपणे भाऊ नंबर वन मराठी बोलायचं. क्या बात है. आणि मी राखी पण आणलेली आहे खास, त्यामुळे राखी पौर्णिमा सुद्धा आज होणार आहे इकडेच. सो आपण पाहूया लाईव्ह बघा. गाना बज रहा है भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना बुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना. भैया मेरे चावटपणा नको करू. चावटपणा नाही करायचं, हलकटपणा नाही करायचं. माझी रक्षा करायची. हो, आणि माझी रक्षा करायची. रक्षा करायचा तुमचा, तुमचा आशीर्वाद. ओहो, क्या बात आहे. खऱ्या अर्थाने छान राखी पौर्णिमा सुद्धा झालेली आहे. और सागरिका, ऐसा क्या मतलब ऐसी मतलब तुम्हारा बॉन्ड तो सबको पता है बहुत ज्यादा स्पेशल रहा है, और शान तो हमेशा बोलते हैं कि उनका करियर भी आपकी वजह से ही हुआ है, तो मतलब ये क्या ऐसी स्पेशल बात है जो आप दोनों को ऐसे जोड़ के रखती है? हाँ जी, एक्चुअली बचपन से ही हम लोग बहुत इतना टाइम स्पेंड किए हैं एक साथ कि उसमें से कुछ तो अच्छा होना चाहिए. बट हमारी उम्र भी ज़्यादा फर्क नहीं है, और सागरिका बचपन में ही थोड़ी सी टॉम बॉय थी, तो सारे लड़के और साथ में सबका एक ही नाम था इनके लिए, दीदी. सब उन्हें दीदी, उनसे उनसे मतलब उनके, फिर वो लड़कों की माँ, हम लोग कैथलिक एरिया में थे तो उनको ज़्यादा दीदी, उनको लगता था नाम ही है इनका दीदी, तो पूरे मोहल्ला के दीदी थी. दादा अलग होता है, ये दीदी थी. तो उस चक्कर में हम लोग बहुत मतलब सिर्फ यही नहीं कि घर में भी, लेकिन बाहर भी खेलकूद में भी साथ में ही थे, मोहल्ले में हम लोग साथ में खेलते थे, और बहुत बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं साथ में, तो इट्स ऑलवेज वंडरफुल. मराठी, लेकिन पहले मैं बहुत अच्छी तरह से बोलती थी. हाँ, तो मराठी नहीं, कुछ चांगला लड़ने जाके आता.
बट ठंड में मैं नहीं थी बट हो नहीं हाँ आई हैव समथिंग दिस इज अ मैसेज गोइंग आउट टू ऑल द चिल्ड्रन फॉर द 10th एंड द 12th एग्जाम के प्रामाणिकपणे अभ्यास करणे आणि छान अर्थात जसं हे सिंगिंग करिअर तू म्हणतोस की सागरिका आणि तुमचं एकत्र सुरू झालेलं आहे त्या दरम्यान तर या सिंगिंग करिअर मध्ये नेहमी सागरिकाचा वाटा किती महत्वाचा राहिलेला आहे तुझ्यासाठी आम्ही साथ में हम लोग शोज भी करना शुरू किए साथ में हम लोग लाइव शोज किए अपना बैंड क्रिएट किए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सागरिका के साथ मैंने शुरू किया आज फिर ऑफकोर्स शादी के बाद एक somehow जो लड़के होते हैं वो फिर भी अपना करियर आगे ले सकते हैं लेकिन स्पेशली आफ्टर बिकमिंग मदर एंड शी इज़ वेरी हैंड्स ऑन मदर वो तो उसके बाद काफ़ी हद तक सागरिका ने अपने करियर को अपनी बाकी चीज़ों को पीछे रखकर बींग एंड ऑफकोर्स साथ साथ ऑलिव जो रेस्टोरेंट उन्होंने शुरू किया था बिकेम एक्सट्रीमली शायद उन्हें खुद को नहीं पता था कि इतना इतना इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाएंगी उन पर बॉम्बे में उसके बाद बैंगलोर दिल्ली सो दैट टुक अप अ लॉट ऑफ अ टाइम ऑल्सो इंटीरियर और समथिंग एल्स दैट शी एंजॉयड डूइंग तो ये सब कर कराकर कहीं ना कहीं वो सिंगिंग में मैं ही आगे निकलता गया फ्रॉम टाइम टू टाइम वी डिड थिंग्स टुगेदर बट सागरिका स्टिल सिंग्स ब्यूटीफुली वेल एंड आई एम श्योर दैट वेरी सून हम लोग साथ में काहीतरी मराठी मध्येच करूया हु नोज हिंदी मध्ये तर तुम्ही दोघांनाही एकत्र पाहिलं की मला ते गाणं आठवतं 50-50 आठवतं ऐसा ऐस कभी ऐसा होता है ते पण आठवतं तर एखादी लाईन काही प्लीज ऐसा होता है ना तेरे बिन तू मेरे बिना है मुश्किल अकेले जीना कभी कभी हाँ प्यार में ऐसा होता है पम 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 मैं पहनूं चोली लहंगा तेरी चप्पल कोल्हापुरी और मेरा इंग्लिश जूता महंगा मुझको पसंद चाइनीज खाना और तुझको पसंद तंदूरी हम दोनों में मेल नहीं है मगर मिलना फिर भी है जरूरी मैं तेरे बिन तू मेरे बिना कभी कभी हाँ प्यार में ऐसा होता है ऐसा होता है क्या ऐसा होता है तब आपको चाइनीज खाना पसंद था उस गाने में भी था तो अभी डिशेस बढ़ गई होगी ऑलिव में और हाँ जी हाँ जी अभी तो चाइनीज इटालियन जापानीज जो दो मुझे मैं खा लूंगी भाकरी रोटी माला भारत पसंद हाउ डू यू से पिटला भाकरी दिया आता नाहीतर पिटेंती या पुरणपोळी पुरणपोळी आणि वेरी हॉट फेवरेट नहीं खाना मुझे भी सारे सारे खाने बहुत पसंद है भाई के लिए आप क्या फेवरेट डिश करोगे मतलब अगर भाई के लिए एक्चुअली मैं बहुत मेरे पहले जो कुकिंग एक्सपेरिमेंट्स थे तो भाई मेरे गिनी पिग थे जापान गई थी एक बार वहाँ से एक हॉट पॉट में पता नहीं पानी में बहुत सारी चीजें अंदर डाल दी और बोली कि रुको तुम्हारे लिए मैं जापानीज खाना बना रहे कुछ कमाल होने वाला है फिर रुके रहे फिर वायर और सब रॉ उसमें से बेचे पहली बार तो इतना समझ में नहीं आया मुझे जापानीज की उसके बाद से मैं क्या राधिका भी हम लोग जापानीज फूड के बड़े फैन हो गए थैंक्स टू सागरिका इंट्रोड्यूस अस सारे एक्सपेरिमेंट्स पेट में कुछ गड़बड़ है अच्छा सब ठीक लग रहा है अभी भी वो फिट है खा रही ऐसा होता है
फिटनेस का राज क्या है, मतलब दोनों से भी ये सवाल पूछना होगा क्योंकि वो वीडियो में देखा था वैसे ही है वो आप दोनों अभी। नहीं, ये तो वाकई में वीडियो में हम जीन्स ही पहने थे और ये जीन्स का ही कमाल है, मतलब हमारे डैडी मम्मी दोनों ही ऐसे पतले और फिट हमेशा थे, तो शायद इस वजह से, वरना मुझे लोग हमेशा कहते थे कि कहते रहते हैं कि यार ये क्या चक्कर अभी भी तो लुकी सागरिका, और यकीन से मानिए ना आप जो खाने देंगे हम खा लेंगे पी लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, बट आई थिंक वी आर जस्ट जेनेटिकली ब्लेस्ड के वी डोंट गेन। आल्सो आई थिंक हार्ड वर्क इज नेसेसरी, आई थिंक व्हाटएवर यू डू इफ यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ वर्किंग हार्ड, वो मतलब अपना घर ही साफ रखना है या तो व्हाटएवर यू नो व्हाटएवर वर्क यू आर डूइंग, इफ यू आर वर्किंग हार्ड ऑन इट रनिंग अराउंड एंड डूइंग योर थिंग्स, वो अपने आप सेहत एकदम ठीक हो जाता है। हम तो बहुत मेहनत करते हैं सारा, ये वेट तो हटता नहीं है। और जैसे आज का ये एक्सपीरियंस कैसा था उबर के साथ, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए उसके बारे में? हाँ जी, बहुत ही एक्चुअली बहुत सालों बाद मैं मतलब इंटरव्यूज कर रही हूँ एंड व्हाटएवर, इट फील्स ग्रेट एंड इट्स ग्रेट टू स्पेंड सो मच टाइम एंड रेमिनिस और पुरानी बातें फिर से ताज़ा हो रही हैं। इट वॉज फैंटास्टिक, थैंक्स टू उबर एंड हैप्पी डेमिक, वेरी वेरी happy and feel very privileged. Suno ka taro ka sabka kehna hai, ek hazaron mein meri behna hai, sari umar hume sang rehna hai. Suno ka taro ka sabka kehna hai, ek hazaron mein mere bhaiya hai, sari उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। बिल्कुल, हैप्पी डेमिक जो एक नई एक पोर्टल है जहां आप नए आर्टिस्ट को बुक कर सकते हैं, उनको अपने पारीज में आप बुला सकते हैं, इट्स अ वंडरफुल, इज़ डूइंग रियली वेल। जस्ट 3 महीने हुए इसको, मेरी वाइफ राधिका शी स्टार्टेड दिस विद अ वंडरफुल वंडरफुल बंच ऑफ फ्रेंड्स, सो विशिंग हैप्पी डेमिक ऑल द बेस्ट। ऊबर ऑफकोर्स इंटरनेशनल कंपनी है जो इंडिया में भी कमाल की जा रही है, तो ये टाइप इस तरह से हुआ कि राखी के दिन जो भी ऊबर में ट्रैवल करे, ऊबर ऐप यूज़ करे, उनको हम तक पहुंचा रहे हैं और उनके साथ हम लोगों ने 3 घंटे लगातार बातें किए, गाने गाए, बहुत मज़े किए। सो इट वॉज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, बहुत मज़ा आया। Uberlicious. Uberlicious. क्या बात है। Uberlicious. जैसे वहाँ पे किड्स के साथ वॉइस इंडिया में बहुत अच्छा, मतलब वो किड्स पागल हो जाते हैं और हम आपको देख के ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा एक स्वीट सा रिलेशन है आपका सबके साथ। वॉइस वॉइस किड्स हैज बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस और सारे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं और बहुत सारे हमारे महाराष्ट्र के, हमारे बम्बई के प्यारी प्यारी आवाजें हैं जो बहुत मुर्गी। हाँ 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 हाँ, इस बार ज्यादातर देखा लड़के बहुत कम है, ज्यादातर लड़कियाँ ही आगे हैं और आई थिंक इस बार डेफिनेटली टॉप 10 में शायद ही कोई लड़का भी होगा। सो इट्स अ ग्रेट थिंग कि लड़कियां बेटर कर रही हैं, ये तो नहीं कह सकता यार, सब मेरे टीम में मिलो, आपने बहुत अच्छा गाया और आप बहुत अच्छा गाओगी। आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा। सागरिका, जैसे जब आप शान से मिलती भी नहीं हो लेकिन टीवी पे उनको देख लेती हो तो वो एक अलग सा मतलब कनेक्ट हो जाता है कि आप वहाँ पे देख सकती हो आपके भाई को। हाँ जी, नहीं नहीं, ऑफ कोर्स आई डोंट वॉच टीवी एज मच,
लेकिन जब भी देखती हूँ या तो गाने सुनती हूँ तो यू नो इट्स आशीर्वाद आपको कैसे सिर्फ एक स्माइल देना है और यू नो एवरीथिंग एल्स फॉल्स इन प्लेस कंप्लीट पैकेज आई थिंक मैं सिस्टरों के ज्यादा नहीं बोलना चाहिए सोच के बस लेकिन एक जाते जाते बस एक हाथ गाना आपका फेवरेट जो भी शान भाई ब्रदर्स जस्ट रिलीजिंग अ न्यू एल्बम सो आई थिंक एक प्लग इन कर देते हैं एक सरप्राइज है यार रक्षाबंधन लोकमत के सारे लोगों के लिए तुम हो तो लगता है मैं हूँ ना हो तो लगता है क्यों हूँ तुम हो तो उड़ता है मन ये ना हो तो ठहरा सा है क्यों हो सके तो रहना तुम साथ मेरे जिंदगी भर रहना तुम साथ मेरे वैसे राखी के मौके पर भी गाना जाता है कि सारे भाई सारे बहन हमेशा साथ रहें जिंदगी भर साथ रहें खूप छान स्पेशल मेसेज सुद्धा दिलेला आहे आणि खूप छान वाटलं तुम्हाला दोघांनाही राखी पौर्णिमेच्या शुभेच्छा आणि असेच हसत राहा आणि पुन्हा पुन्हा भेटायला खूप आवडेल थँक्यू सो मच थँक्यू